अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं फराज खान पब्लिक चैनल से आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ। आप सबका स्वागत है। थाने पुलिस ने किया एक बड़ा मिशन और हुई कामयाब। 107 गाड़ी चोरी की बरामद हुई। ये कहानी स्टार्ट हुई राबोड़ी से। राबोड़ी पुलिस चौकी में एक केस दर्ज हुआ गाड़ी चोरी का। राबोड़ी पुलिस जब केस की छानबीन करने लगी तो उनको पता चला क्या ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो चोरिया कर रहे हैं। पर उन्हें जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ये चोर लोग स्टेटों में चोरी करते थे, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे चोरी करते थे और गाड़ी के पेपर फेक बना के उसको वापस से बेचते थे। और ये 9 लोग पकड़े गए हैं, आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि 80 गाड़ी की रिकवर की है पुलिस ने, जिसकी कीमत बताई जा रही है 3 करोड़ 40 लाख रुपए। और ये हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 दिसंबर 2018 को रामोली पुलिस स्टेशन में एक चोरी की घटना हुई। एक मिस्टर उद्धव नाना साठे हैं, वृंदावन सोसाइटी में रहते हैं। इनकी एक महिंद्रा बुलेरो पिकअप गाड़ी थी, वो चोरी हुई। इसके बारे में एक ऑफेंस दाखिल हुआ रामोली पुलिस स्टेशन में, सीआर नंबर 07/2018। और हमारे तपास उसका वहाँ के लोकल टीम ने किया। DSI मिस्टर महेश यादव थे, उसके तपासी अधिकारी और मार्गदर्शन करने हमारे DCP मिस्टर स्वामी सत्यनारायण और बाकी की टीम थी। इस केस में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि वो जो गाड़ी है उसमें GPS, उसके आधार पे हमने उसको ट्रैक किया। हमको वो गाड़ी ऊना में भोर तालुका के पास एक जगह है, वहाँ पे एक शेतकड़ी की जगह है और वहाँ एक छोटा सा गोडाउन बना के रखा हुआ था, वहाँ पे ये गाड़ी मिली। हमने वो शेतकड़ी जो है उनसे पूछताछ किया, उनसे पूछा कि ये गाड़ी यहाँ पे किसने रखी थी। उसने ये बताया कि आप 2 लोगों का नाम बताया उन्होंने, एक लागू है संदीप लागू और एक विनीत करके आदमी है। इन लोगों ने वो गाड़ी रखी थी, हमने इन दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में हमने इनका सर्च किया, इनके डॉक्यूमेंट सर्च किए, इनके पास में जो रिकॉर्ड वगैरह था, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन, वो सर्च किया, इनको पूछताछ की। और इनको काफ़ी डिटेल में पूछताछ करने के बाद में हमको ये पता चला कि ये लोग कुछ लोग हैं राजस्थान के, कर्नाटक के और नागालैंड के, जिनसे ये काफ़ी संपर्क में रहते हैं। तो वो बात हमको जब थोड़ी अजीब लगी तो हमने इनसे और ज़्यादा इसके बारे में पूछताछ की और पता किया। तो ये पता चला कि ये लोग गाड़ी इस तरह से चोरी करते हैं, डिस्पोज करते हैं। और टोटल इनके पास से हमको डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि इन लोगों ने कम से कम 176 गाड़ी अभी तक वो चोरी की थी। और उसका कैसे कैसे उन्होंने डिस्पोज किया था वो भी उसमें हमको पता चला। इसमें से हम लोगों ने अभी तक 105 केसेस में से पहले पुलिस का FIR दाखिल है आउट ऑफ 176, ये पता चला। उसमें से 80 जो केसेस हैं उसका हम लोग उसको ट्रेस कर पाए हैं और 80 गाड़ियां हमको आज उसमें मिली हैं। फिलहाल उसमें से 67 गाड़ियां हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा की हैं। ये जो 67 गाड़ियां हैं इसमें से 34 गाड़ियां हम लोगों ने कर्नाटक से जब्त की हैं, हम लोगों ने 14 गाड़ियां राजस्थान से जब्त की हैं और 5 मुंबई से जब्त की हैं और कुछ इधर उधर से। इससे हमारे पुराने कुछ केसेस सॉल्व हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी है उनको मिली है। वो जो केसेस हैं उसमें से थाना सिटी के हैं 18, पालघर के हैं 8, नवी मुंबई के हैं 8, थाना रूरल के हैं 3, मुंबई के 5 और अहमदनगर, नासिक, पालघर वगैरह के भी गुने इसमें हमें सॉल्व हो गए हैं। ऐसा इसमें समझ में आ रहा है कि ये लोग गाड़ी की पहले डिमांड इनके पास में आती थी, वो डिमांड आने के बाद में लोग रेकी करते थे, सर्वे करते थे, फिर गाड़ी को सेलेक्ट करते थे। वो सिलेक्शन ओके हो जाने के बाद वो गाड़ी चोरी करते थे। चोरी करने के बाद वो गाड़ी पुणे में वो गोडाउन में रख दिया करते थे। मीनवाइल ये लोग उस गाड़ी को उसके डॉक्यूमेंट्स भेजते थे नागालैंड, नागालैंड में उस गाड़ी का नंबर चेंज किया जाता था और फिर वो जो नागालैंड में जो गाड़ी का नंबर चेंज करने के बाद में नागालैंड में उस गाड़ी का जो मालिक होता था, वो 2 लोग हैं, मिस्टर बलराज शर्मा एंड अग्रवाल, ये लोग के नाम पर जब वो गाड़ी का नंबर ट्रांसफ़र हो जाता था तो वो लोग
फिर उस गाड़ी को कर्नाटक में या राजस्थान में ट्रांसफ़र कराते थे और वहाँ उनको वो गाड़ी फिर बेची जाती थी। नमस्कार, आदाब, मैं फराज खान फिर हाजिर हूँगा आपके साथ एक नवी न्यूज़ के साथ।